रविंद्र जी भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई साहब राम राम। जय गो माता। जय गोपाल। आज की वीडियो में कितनी गायें दिखाएंगे जी? भाई साहब आज की वीडियो में पांच गायें। पांच गायें? हाँ। कौन कौन सी नस्ल की है जी? सफेद थारपारकर है जी, साहिवाल है, गदरी राठी है और श्यामा थारपारकर। श्यामा थारपारकर भी है? हाँ जी भाई साहब। ठीक है जी, आपकी सभी गायों को देखेंगे जी। हाँ जी। और आपसे कंप्लीट डिटेल भी जानेंगे। हाँ जी भाई। दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखे और जो भी गाय पसंद आ जाए वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट लेकर भाई साहब की कॉन्टेक्ट डिटेल्स अभी जानेंगे, उन पर भिजवा के पूरी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की गायें और साथ ही वीडियो भी पसंद आएगा। दर्शकों से एक अनुरोध और भी करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखे। लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगी कि मैं आज किस जगह पे आया हुआ हूँ और आप किस जगह पे गाय देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस एरिया में पहुंचा हुआ हूँ ये एरिया राठी नस्ल की गायों का गढ़ कहलाता है। यहाँ आसपास के एरिया में जो किसान है वो राठी नस्ल की गायें और थारपारकर नस्ल की गायें बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं, तरीके से केयर करते हैं भाई साहब, केयर ज्यादा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरी जानकारी भाई साहब से ही लेंगे। हाँ जी। सबसे पहले आप रविंद्र जी यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। जी मेरा नाम रविंद्र गोदरा, गाँव छैपी, तहसील व जिला अनूपगढ़। अनूपगढ़। हाँ जी। तो ये अनूपगढ़ थोड़े टाइम पहले ही जो जिला बना है? हाँ जी, हाँ जी अभी। हाँ ठीक है जी। तो अनूपगढ़ जिले के अंदर है और ये राठी नस्ली गायों का गढ़ कहलाता है। हाँ जी। तो आज गढ़ में अनूपगढ़ से मात्र 7 किलोमीटर दूर, अनूपगढ़ मेन सिटी से। हाँ जी। 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी। और ऑन रोड ही है? हाँ जी, ऑन रोड। ऑन रोड से एक मरबा अंदर। एक मरबा मतलब लगभग मानेंगे जी 100 मीटर के आसपास। अगर पैदल भी आए तो 4 मिनट लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। रोड से आने में ही 3 या 4 मिनट लगेगी। ठीक है जी, पूरी जानकारी लेंगे जी। मोबाइल नंबर और शेयर कर दो आपके। जी मोबाइल नंबर 7878 7013 87। ठीक है, ये नंबर भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। दूसरा नंबर है जी 8209 53386। ठीक है, दोनों नंबर मैंने मेंशन किए हैं व्यूअर स्क्रीन पर। हाँ जी। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके भाई साहब की सभी गायों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे इसी गाय से। हाँ जी। थार पार कर। हाँ जी। जो थार को भी पार कर जाए ऐसे भरी गर्मी के मौसम में भी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो जी गर्मी आई नहीं है लेकिन गर्मियों ने अपने संकेत दे दिए है कि कैसी तेज धूप रहेगी और कैसी गर्मी रहेगी। हाँ जी। आज से शुरुआत हो गई है। हाँ जी भाई साहब। ठीक है जी, डिटेल इसी की शेयर कर दो जी। नस्ल बता दो पूरी। भाई साहब सफेद थारपारकर है जी। हाँ। और दूसरा ब्यांत है जी, सेकंड लैक्टेशन है। हाँ जी। अच्छा, और आज सुबह ही बच्चा दिया भाई साहब, सुबह 3 बजे। 3 बजे की ब्याई हुई है? हाँ जी। हाँ। 3 बजे की ब्याई और पीछे बछड़ा है जी। बछड़ा है, मेल काफ है। और भाई साहब फर्स्ट ब्यांत के अंदर 13 लीटर दूध दिया है। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार की अपनी उम्मीद क्या है जी? इस बार की भाई साहब 16 लीटर की उम्मीद पे गाय दे रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, 16 लीटर की। हाँ जी। नस्ल की थारपारकर। हाँ जी। और अर्डर क्वालिटी आप देख सकते हैं शानदार है। शानदार। कदकाठी भी शानदार है। हाँ जी। और ये बच्चा इसी का है? हाँ जी, हाँ जी, ये थारपारकर नस्ल का। हाँ जी, थारपारकर का शुद्ध थारपारकर बछड़ा पीछे जी। मेल काफ है और वो भी थार पार कर नस्ल का ही। हाँ जी। गाय की खूबसूरती और साथ में बछड़े की खूबसूरती दोनों आपके सामने है। हाँ जी। ठीक है, तो दूध जी 16 लीटर की। हाँ जी, 16 लीटर की। 16 लीटर। ठीक है, और मोल क्या रखोगे जिसका? 55,000 रूपए भाई साहब। 55,000। हाँ जी। 55,000 रूपीज। हाँ जी, हाँ जी। कुछ गुंजाइश रहेगी जी इसमें? मान सम्मान करेंगे भाई साहब, जरूर मान सम्मान करेंगे। भाई कॉल करेगा उसका मान सम्मान जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, तो दो नंबर वाली गाय और देख लेते हैं, ये राठी में। हाँ जी, गदरी राठी। गदरी राठी। हाँ जी, पतली चमड़ी की। बिल्कुल पतली चमड़ी की गदरी राठी, दूसरा ब्यांत, सेकंड लैक्टेशन है। हाँ जी। ब्याह हुए को इसको कितना टाइम हो गया भाई साहब? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। हाँ जी, पीछे बछड़ी गदरी राठी भी। गदरी राठी बछड़ी। हाँ जी, जो गाय से भी ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत रंग में भी और क्वालिटी वाइज। हाँ जी, हाँ जी, काफी खूबसूरत है। ठीक है जी, क्या दूध क्षमता की है ये भाई साहब? मौके पे 14 लीटर दूध तैयार है जयपाल भाई साहब। हाँ। और फर्स्ट ब्यांत के अंदर 14 लीटर दूध दिया, लेकिन अब की बार 16 लीटर दूध की उम्मीद है भाई साहब। 16 लीटर की। हाँ जी, 16 लीटर दूध की उम्मीद है। हाँ जी। 8 लीटर एक टाइम का। हाँ जी भाई साहब। अर्डर बहुत प्यारा है जी। बिल्कुल सर, बड़े साइज का अर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। ठीक है, और इसकी कीमत क्या रखोगे आप? इसकी 52,000 रूपए प्राइस है भाई। 52,000। हाँ जी। 52,000 रूपीज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, गाय दो कवर होगी, ये तीसरे वाली और देख लेते हैं। ये किस नस्ल में जी? ये भाई साहब सफेद थारपारकर है। हाँ। और आज श्यामा थारपारकर। श्यामा थारपारकर। श्यामा थारपारकर है भाई साहब। हाँ। 15 दिन की ब्याई हो गई जी। हाँ।
पीछे बछड़ा है भाई साहब, मेल काफ है। हाँ जी, 10 लीटर दूध रेडी है भाई साहब। 10 रेडी है। हाँ जी, तो अगर कोई मिल्किंग देखना चाहे तो 10 लीटर नपवा दोगे? दो टाइम तीन टाइम देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 टाइम देख लो, खुद आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, खुद आके भी देखे। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। और इसकी कीमत क्या लोगे? इसके भाई साहब 31,000 रुपए प्राइस। 31,000? हाँ जी भाई, 31,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। तो गाय दो और बची हुई जी आज के वीडियो में, वो भी देख लेते हैं। जरूर भाई। गाय बड़े बड़े अंडर साइज की है, ताजा ब्याई हुई है। हाँ जी। तीन गाय तो ब्याई हुई दिखा दी है भाई साहब ने। हाँ जी। और ये चौथे वाली फिर से ब्याई हुई। हाँ जी। ये किस नस्ल में है जी? ये भाई साहब साहीवाल नस्ल। साहीवाल में? हाँ जी, साहीवाल नस्ल में है। हाँ जी, ठीक है। ये कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? ये भी रात ही, 12 बजे रात बच्चा दिया है। हाँ, और ये बच्चा क्या लिए? बछड़ी है जी। बछड़ी फीमेल का? हाँ जी। गाय का और बछड़ी का दोनों का रंग एक ही जैसा है? एक ही जी, एक ही जैसा है। हाँ जी। डील डोल भी एक ही जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या दूध क्षमता की जी ये भाई साहब? फर्स्ट ब्यांत के अंदर 13 लीटर दूध दिया जी। अच्छा, अब की बार सेकंड बार के अंदर 16 लीटर दूध देगी भाई साहब। हाँ, आज सुबह ही बच्चा दिया और खीस से खा लिया। खीस से खा लिया, 2 लीटर खीस निकाला और बछड़े को, बच्ची को दूध पिलाया जी। अच्छा। हाँ जी, बच्ची को दूध पिला दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कितने दूध तक जाने की उम्मीद लास्ट करेंगे? 16 लीटर। 16 लीटर की? हाँ जी भाई साहब। तो 16 लीटर की दूध क्षमता की राठी ब्रिड की गाय? हाँ जी। मोल जी भाई साहब? 48,000 रुपए भाई साहब। 48,000 रुपीज। हाँ जी। एक गाय और बची हुई जी, लास्ट में गैबिन लग रही है। हाँ जी। ये कितने महीने की गैबिन है भाई साहब? 15 दिन बाकी है। 15 दिन बाकी है ब्याने में? 15 दिन बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दूसरी बार बच्चा देगी? हाँ। और फर्स्ट बार के अंदर 13 लीटर दूध दिया भाई साहब। अभी टाइम कितना और ले जाएगी? अभी 15 दिन बाकी है। 15 दिन? हाँ जी। 2 हफ्ते का टाइम है, जो परवरिश का टाइम रहता है। हाँ जी, जिसमें अच्छी खुराक दें, अच्छे से केयर हो जाएगी भाई। हाँ। जो भी भाई लेके जाएगा अच्छे से केयर कर लेगा। हाँ, सही है, बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बच्चा भी चाहे हाथ लगाओ पैरों हाँ। के अंदर घूमते रहो, बिल्कुल नस ही नहीं लाएगी। अच्छा, बिल्कुल शांत है, ठीक है। हाँ जी। और आप इसकी कीमत क्या रखोगे? इसकी 40,000 रुपए। 40,000? हाँ जी। 40,000 रुपीज। हाँ जी, ठीक है जी। गाय ये 4 तो ब्याई हुई है? हाँ जी, हाँ जी। और एक ही प्रेग्नेंट है? हाँ जी, 4 ब्याई है, 2 के पीछे बछड़ी और 2 के पीछे बछड़ा है जी। 2 के साथ बछड़ी? हाँ जी। और 2 के साथ बछड़े? हाँ जी, हाँ जी। गाय शानदार लगी जी? हाँ जी। उम्मीद करता हूँ इतनी शानदार दर्शकों को भी लगी होगी। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी है गाय, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। जरूर बताएं भाई साहब। वीडियो अच्छा लगा हो, गाय पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ जी। और साथ ही रविंदर भाई साहब के लिए भी एक बार कमेंट के माध्यम से जय गोमाता लिखकर हौसला बढ़ाएं। जय श्री राम जरूर लिखें, जरूर से लिखें, ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की मुहिम को भी बल मिले। हाँ जी, हाँ जी। और आपका भी उसमें योगदान शामिल हो जाए। हाँ जी भाई साहब। क्योंकि जब गायों के वीडियो को देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, और देखने के बाद शेयर करेंगे, हाँ जी, तो इनके परिवार रिश्तेदार रहे, हाँ, वो भी देसी गाय खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, खरीदने के इच्छुक हो सभी। सही है जी। हाँ जी भाई, उम्मीद करता हूँ गायें और वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। रविंदर भाई साहब, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसे रहेगी जी? ट्रांसपोर्ट की भाई साहब 500 किलोमीटर देंगे जी। 500 किलोमीटर? हाँ जी। अच्छा, 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे जी। अच्छा, ये जो कीमतें बताई है आपने, हाँ जी, इसी कीमत के अंदर जी, इसी कीमत के अंदर 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट भी रहेगा? हाँ जी। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के लिए अलग से बात करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, कोई अलग से, जो 500 से ज्यादा दूर है उनके भाई साहब 13 रुपए पर किलोमीटर लगेंगे। अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा होगा? हाँ जी, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जी। जैसे 500 से 600 होगा तो 100 किलोमीटर का चार्ज लगेगा, अगले 100 किलोमीटर के लिए आपको अलग से कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट के चार्ज की? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। जय गो माता। जय गोपाल।